हे दोस्तों, मैं डैनी, हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड कैंप में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको भावनगर के टॉप 10 पर्यटन स्थलों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें नंबर 10 पर है गौरीशंकर झील। भावनगर में स्थित गौरीशंकर झील एक सुंदर और शांतिपूर्ण जल स्रोत है। ये झील शहर के केंद्र से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हरियाली और प्राकृतिक दृश्यों से घिरी गौरीशंकर झील प्रकृति प्रेमी और फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। नंबर 9, नीलमबाग पैलेस। नीलमबाग पैलेस भावनगर का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह पैलेस शहर के मध्य नगर में स्थित है और इसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। यह एक ऐतिहासिक इमारत है जिसे भावनगर के प्रमुख राजघराने द्वारा निवास के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसकी सुंदरता, विशालकाय और मार्गदर्शनीय विद्यार्थियों को मोह लेती है। नीलमबाग पैलेस का आकर्षण इसके मार्गदर्शक शैली, सुंदर संग्रहालय, बगीचे और आकर्षक तमी पर्वतीय दृश्य है। यहाँ आप पैलेस में सैर भी कर सकते हैं और उसकी शानदार विकसित वस्तुकला का आनंद ले सकते हैं। नंबर 8, विक्टोरिया पार्क। विक्टोरिया पार्क भावनगर का एक प्रमुख पार्क है। यह पार्क शहर के मध्य नगर में स्थित है और इसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है। यह आकर्षक वन्य जीव, हरियाली और सुंदर फूलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह एक लोकप्रिय स्थान है जहां लोग सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आते हैं और योग का अभ्यास करते हैं। विक्टोरिया पार्क में आप चट्टानों के ऊंचे स्थानों पर चढ़कर अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इसकी सुंदरता, शांतिपूर्णता और प्राकृतिक माहौल इसे भावनगर के प्रमुख आकर्षणों में से एक बनाता है। नंबर 7, तख्तेश्वर मंदिर। तख्तेश्वर मंदिर भावनगर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर शहर के मध्य नगर में स्थित है और इसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। इस मंदिर में प्रमुख देवता भगवान तख्तेश्वर की पूजा की जाती है। यह स्थान शांति और आध्यात्मिकता के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई से आप भावनगर शहर का खूबसूरत नजारा भी देख सकते हैं। नंबर 6, गांधी स्मृति। गांधी स्मृति भवन भावनगर का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। यह स्मारक शहर के मध्य नगर में स्थित है और इसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। यह स्मारक महात्मा गांधी जी को समर्पित है और उनकी महानता को याद करने के लिए एक स्थान। यह गांधी जी की प्रमुख यात्राएं, विचार और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में आप जान सकते हैं। यह स्मृति भवन एक सुंदर भव्य इमारत है जहां आप प्रकृति और आध्यात्मिकता के आनंद ले सकते हैं। नंबर 5, बार्टन पुस्तकालय और संग्रहालय। बार्टन पुस्तकालय और संग्रहालय भावनगर के एक महत्वपूर्ण स्मृति स्थल है। यह स्मारक शहर के मध्य नगर में स्थित है और इसकी दूरी लगभग 500 मीटर की है। यह स्थान किताबें, पुरातत्व चीजें, चित्र और ग्रंथों के संग्रह को संभालता है। बार्टन पुस्तकालय और संग्रहालय में विविधताओं को देख सकते हैं। नंबर 4, पालीताना। पालीताना गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित एक मुख्य तीर्थ स्थल है। यह प्रसिद्ध है अपने जैन मंदिरों के लिए, जिनमें से प्रमुख है पालीताना तीर्थधाम। यहाँ पर्यटकों को अद्वितीय धार्मिक और आराधना का अनुभव मिलता है। पालीताना श्रद्धालुओं के लिए एक पैदल मार्ग प्रदान करता है जिसमें कई हजार सीढ़ियां होती है। पालीताना शहर से पालीताना तीर्थधाम की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर की है। यह आकर्षक स्थान धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटकों के लिए आदर्श स्थान है और इसकी सुंदरता और धार्मिक महत्व उन्हें आकर्षित करते हैं। नंबर 3, ब्लैकबक नेशनल पार्क। ब्लैकबक नेशनल पार्क गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित है। यह उद्यान भावनगर शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सुंदर उद्यान विशेष रूप से अपने काले हिरणों के लिए जाना जाता है, जिन्हें आप यहाँ नजदीक से देख सकते हैं। इस उद्यान में अन्य जीव जंतु जैसे नीलगाय, लांगूर, सांबर, लोमड़ी आदि भी पाए जाते हैं। नंबर 2, श्री स्वामीनारायण मंदिर। श्री स्वामीनारायण मंदिर भावनगर शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर शहर के मध्य नगर में स्थित है और इसकी दूरी लगभग 4 किलोमीटर की है। यह मंदिर BAPS संस्था के द्वारा संचालित होता है और स्वामीनारायण भगवान को समर्पित है। यह मंदिर अपनी भव्य और सुंदर स्थापत्य की वजह से काफी प्रसिद्ध है। यह स्थान मुख्यतः भक्ति, पूजा, आराधना के लिए जाना जाता है। यहाँ आते हैं और धार्मिक सुख और शांति का आनंद लेते हैं। श्री स्वामीनारायण मंदिर भावनगर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। नंबर 1, गोपनाथ बीच। गोपनाथ बीच भावनगर शहर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक सुंदर समुद्र तट है। यह बीच अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता, शांत माहौल और गहरे नीले पानी के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटक समुद्र तट पर घूमने, सैर करने और छुट्टियों का आनंद लेने के लिए आते हैं। इसका वातावरण शांतिपूर्ण होने के साथ साथ वनस्पति और जल जीवन की धरती के लिए काफी महत्वपूर्ण है। गोपनाथ बीच आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है जहां आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे भावनगर के टॉप 10 पर्यटन स्थल। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।